नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पांचाल स्वागत करता हूं आपका वी प्लस क्रिएशन में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ पीएचडी फाइल शेयर करूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे फोटोशॉप में। आप यहां देख सकते हैं, हमेशा की तरह मैंने कुछ पीएचडी फाइल ओपन कर रखी है, जिनकी लिंक मैं आज आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप जल्द से जल्द देख सकें। और हाँ, अगर आप किसी भी टॉपिक पर मुझसे वीडियोस चाहते हैं, एल्बम डिज़ाइनिंग से रिलेटेड या फोटोशॉप से रिलेटेड या फोटो रिटचिंग या किसी भी टॉपिक पे आप मुझसे वीडियोस चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं उन टॉपिक्स पे वीडियोस क्रिएट करके आपकी जल्द से जल्द मदद कर सकूँगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जो मैं आज आपको पीएचडी फाइल प्रोवाइड कर रहा हूँ वो 12:30 साइज़ की है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इन सभी पीएचडी फाइल की साइज़ है 12:30। तो आपके अकॉर्डिंग आपके एल्बम में 12:30 के जो एल्बम आप क्रिएट कर रहे हैं, उनमें आप इन पीएचडी को यूज़ करके एक बेहतर शीट क्रिएट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला पीएचडी आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो ये है, जहाँ पे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या 7 फोटोज़ के साथ आप एक बढ़िया सा शीट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्ट फोटोज़ प्लेस करके या इसमें थोड़ा सा कस्टमाइज़ करके भी आप इन्हें चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह रिमूव करके आप यहाँ पे एक बढ़िया सी शीट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पहला पीएचडी। जो आपको सेकंड पीएचडी में प्रोवाइड कर रहा हूँ वो ये है, जहाँ पे आप अगेन 7 से 8 फोटोज़ के साथ एक बढ़िया सी शीट क्रिएट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे भी आप आपके अकॉर्डिंग इसे थोड़ा बहुत चेंज अगर करना चाहें या डायरेक्ट इन्हीं पे इसी शीट पे फोटोज़ प्लेस करके भी आप एक बढ़िया सी शीट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो टेक्स्ट वगैरह लिखे हैं ये सारे रिमूव कर सकते हैं, इन्हें कस्टमाइज़ कर सकते हैं या इन्हें थोड़ा बहुत चेंज करके आप यहाँ पे बढ़िया सी शीट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड पीएचडी। जो थर्ड पीएचडी आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो ये है, जहाँ पे आप देख सकते हैं 5 से 7, 6 फ़ोटो का एक बढ़िया 5 फ़ोटो का एक बढ़िया 5 से 6 फ़ोटो आप लगा के एक बढ़िया सी शीट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ फ़ोटोज़ ऐड भी कर सकते हैं, या जैसे यहाँ पर 6 फ़ोटोज़ हैं तो आप इसकी जगह कुछ 7 फ़ोटोज़ या 8 फ़ोटोज़ करके भी आप एक बढ़िया सी शीट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह आप यही रख सकते हैं या इसे चेंज करके भी एक बढ़िया सी शीट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका थर्ड नंबर का पीएचडी। अब जो आपको मैं पीएचडी प्रोवाइड कर रहा हूँ फोर्थ नंबर का, वो ये है, जहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 7, 8, मतलब 7 से 8 फोटोज़ का एक बढ़िया सा मांग सिंदूर वगैरह भरते हुए का कुमकुम का एक बढ़िया सा आप शीट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ कुछ भी एक दूसरा फेरे से रिलेटेड या किसी भी हल्दी वगैरह फंक्शन से रिलेटेड यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज करके एक बढ़िया सी शीट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फोर्थ नंबर का पीएचडी। जो आपको मैं आज लास्ट पीएचडी प्रोवाइड कर रहा हूँ वो ये है, जहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक यहाँ पर भी 7, यहाँ पर 6 से 7 फ़ोटोज़ का अगेन एक पीएचडी आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें आप फ़ोटोज़ प्लेस करके एक बढ़िया सी शीट क्रिएट कर सकते हैं। इन सभी शीटों में आप टेक्स्ट को रिमूव वगैरह और बैकग्राउंड वगैरह चेंज करके एक बढ़िया सी शीट क्रिएट कर सकते हैं और आपके एल्बम में आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो इन सारी शीटों की मैं लिंक आज आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप जल्द से जल्द देख सकें। और आप सभी को मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।